मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के तहत कई जगह पर विवाह समारोह हो रहे हैं। इसी के तहत कटनी में भी विवाह समारोह रखा गया, जिसमें नगर निगम ने 13 जोड़ों का विवाह कराया। गायत्री मंदिर से आए पुरोहितों ने इन जोड़ों का विवाह विधि विधान से विवाह संपन्न कराया। निगम ने सभी वैवाहिक जोड़ों को 51,000 रुपए की राशि भी प्रदान की। नगर निगम कमिश्नर सतेंद्र धाकड़े ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के तहत ये विवाह समारोह रखा गया है। जिन जोड़ों का विवाह हो रहा है उनमें से सभी कन्या नगर निगम क्षेत्र की ही हैं, शामिल हुए हैं इस विवाह मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में। आज 30 जोड़े और बहु हुए हैं और 30 जोड़ों की आज शादी का कार्यक्रम करवाया जा रहा है। सभी को योजना के अनुसार पात्रता अनुसार चेक का वितरण किया जाएगा और सबके लिए 20-20 एक एक शादी में 20-20 लोगों के लिए भोजन सामग्री। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।